मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांचित कल्पतरु श्री तड़धुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतः मोह मोहमंदात कारणाशम विद्याय ततो दयते विवेकः। अर्थात एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद्भागवत कथा स्वर्ण में सूची हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर से भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं, तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना में भावना से सुने के हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद्भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद्भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। श्रीमद्भागवत जी की महात्म का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सदा भगवान के चरणों में प्रेम रखिए। राधे राधे।